और देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी का से तो मुसलमान नाराज है ही। हाँ। है कि मुसलमानों जब अत्याचार है, जुल्म होता है, हाँ। तो कांग्रेस हमारा सपोर्ट नहीं करती है। हाँ हाँ। इससे कांग्रेस को लेके भी काफ़ी दूरी मुसलमानों की बन गई है। जी जी। वो मुसलमान अब इतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहा है, मतलब अब वो चाहता है कि हमारी अपनी क़यादत खड़ी हो। तो हम ये चाह रहे हैं, सब हम फॉर्म इसलिए भर रहे हैं कि हम अपनी को मजबूत करें, मतलब। और पिछले चुनाव में अब देखा होगा, विधानसभा चुनाव में हजारों वोट लाए, तो महापौर चुनाव में भी हम दोनों जगह अच्छे वोट लाए। एक हमारा अपना जनाधार है। तो आपकी कौम में क्या इस विषय को लेकर बैठके हुई कि भाई अक्सर ये बात सही है कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कांग्रेस से बहुत नाराज है, उनको ऐसा लगता है जब भी उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है। असल में क्या हो रहा है कि जैसे झूठे मुकदमे बनते हैं जी, हमारे लोग जो जाते हैं, जो जिस पार्टी को कांग्रेस खासकर वोट देते हैं, तो जी उनसे निवेदन करते हैं, लेकिन कोई साथ देना दूर की बात, उनका जाना पसंद भी नहीं करता, मतलब यहाँ तक कि बल्कि और उल्टा कुछ लोग तो ये हैं कि वो अधिकारियों को फ़ोन कर देते हैं कि भाई इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो, तो वोट भी हमसे ले रहा है, मतलब हमको पसंद भी नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि गांधी भवन के अंदर कंडीशन है कि दाढ़ी टोपी वाले नहीं होना। तो भाई हमारा जो समाज है, आज हिंदू समाज तिलक लगा के जाता है उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन मुसलमान अगर टोपी दाढ़ी टोपी वाला जाता है उस पर आपत्ति क्यों? वोट अच्छा। तो तुम्हारे मुसलमान इज्जत कांग्रेस की मुसलमान ही बचा रहा है। आप देखिए सब हट गए यहाँ पे। तो मतलब आपका एक चाहिए अब गांधी भवन में, आप देखें गांधी भवन में जब जाते हैं तो कोई दाढ़ी टोपी वाला जाता है तो सबसे पहले उसकी टोपी उतरा ली जाती है। जी जी। तो ये तो अपमान है, मतलब आप सिक्की टोपी उतरा के देख, पगड़ी उतरा के देख लें, आप हिंदू समाज के लोगों का टीका हटवा के देख लें, वो क्यों नहीं करते? मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान एनर्जी क्यों? फिर ये प्रमुख मुद्दा है जी। आप बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी को तो मुसलमान वोट देता ही नहीं है। बीजेपी तो हमारा काम करती है, बल्कि बीजेपी तो खुले हम पे मतलब मुकदमा कायम कराती है और हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है। कम से कम 4.5-5 लाख वोट है। नहीं, मुसलमानों पर केस कितने दर्ज करवाए? बहुत सारी जगह, घासपुरा देख लो, गंज बाजार देख लो, खानचाली बाबा पे देख लो। बीजेपी ने कितने लोगों पर केस दर्ज कराया? वो तो ना, घासपुरा हो गया, गंज बाजार हो गया, तुम्हारे खानचाली बाबा पे हो गया। क्यों दर्ज कराया उन्होंने, कारण? भाई ये है कि पत्थर किसी ने फेंके नहीं फेंके, मतलब चिन्हित कर लिया, जैसा किसी से दुश्मनी हुई तो नाम लिखा दिया उसका। कि क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर आपको AIMIM टिकट दे देती है? अगर पूछा जाए तो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, रोडों की समस्या बनी हुई है, तुम्हारे शासन की जो योजना है उसका बराबर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्या होता है कि जनता, मतलब अब देखो नगर निगम अंदर लाइन लगे खड़ी रहती है घंटों गिनती, कोई काम नहीं होता है जल्दी, मतलब ये सब ये लड़ाई लड़ना, मतलब। और हमारे साथ हम क्या, हम मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। आपको टिकट नहीं, जनरल वर्ग को, जनरल वर्ग को साथ में नहीं लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब वो जैसा ऊपर से डिसीजन होगा वो आपको। हमें जी, आप जनरल वर्ग को साथ में नहीं लेंगे? जनरल सामान्य लोगों को? हाँ, सामान्य वर्ग की बात नहीं करी आपने। लेंगे सभी वर्ग को, मतलब क्या, जनरल में क्या होता है कि ये जो जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित हैं या पिछड़े हैं, जो पिछड़ चुका काफी, मतलब है, तो उनके लिए खास, मतलब हमारा मामला रहेगा। बाकी रहे तो सबके साथ, सबको साथ में लेकर लड़ेंगे। सामान्य वर्ग के पर अत्याचार होते हैं वो आपको नहीं दिखे? नहीं, दिखे तो नहीं, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, उठे कोई नहीं खड़ा होता ना। आपकी पार्टी कौन सी है जिसके लिए आप, जिससे आप आना चाहते हैं? पार्टी कौन सी आपकी? AIMIM। एज क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65। 65।